वर्तमान समय बड़ आरंभ करवा बुलेटिन आसंता 19 तारीख सुधा दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु आंडामान छुईब दक्षिण आंडामान सगर निकोबर द्वीपपुंज और दक्षिण पूर्व बंगोपसगर को मौसुमी वायु अग्रसर होगापी पाग अनुकूल रही आंचलिक पापाग विज्ञान केन्द्र पक्ष कई यह क्रमश अग्रसर हो केरल और जून मास प्रथम सप्ताह बेलू ओडिशा उपकूल छुईवा संभावना रही है। बंगोपसगर में दाना बांधुची लघुचाप आसंता पांच दिन में सृष्टि हो पारे घूर्णी बलय आगकु घूर्णी बलय अधिक सक्रिय हो पारे ए संपर्क में पूर्वानुमान करिछि आईएमडी पुणि थरे कहि रखुछु आसंता 19 तारीख सुधा दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु आंडामान छुई पारे दक्षिण आंडामान सगर निकोबर और द्वीपपुंज और दक्षिण पूर्व बंगोपसगर को मौसुमी वायु अग्रसर होगा नहीं पाग अनुकूल रही पूर्वानुमान करिछि आंचलिक पाणिपाग विज्ञान केन्द्र। जो साउथ वेस्ट मनसून आमर दक्षिण पश्चिम मौसमी दक्षिण आंडामान सगर आछि अंश दक्षिण पूर्व बंगोपसगर एवं किसी अंश निकोबर द्वीपपुंज पर्यंत 19 मे रे पहुँचवार संभावना रही कारण है कि गोटे वीक फिबुल सर्कुलेशन डेवलप होती फल मध्यम तीव्र कन्वेक्टिव एक्टिविटी और कन्वेक्शन दक्षिण पूर्व बंगोपसगर एवं ता पाखापाखी स्थान में अवस्थित अच्छी जहाँफल कि आमर मनसून जो दक्षिण पूर्व दक्षिण पश्चिम मौसमी दक्षिण आंडामान सगर एवं ता पाखापाखी एरिया रे माने किछि अंश दक्षिण पूर्व बंगोपसगर एवं निकोबर द्वीपपुंज पर्यंत आंडामान निकोबर द्वीपपुंज पाखे रही क्रमशः पूर्व दिगर जो वायु प्रवाहित होता ताहा दुर्बल हुआ वायु क्रमशः वर्तमान बहिबा आरंभ हो जाए पश्चिम वायुर आगमन कहे दक्षिण पश्चिम वायु धीरे धीरे आसबो आंडामान सगर में जिते आम कहीपर आसंता मे 19 तारीख में यह पहुँचव क्रमशः यह केरल आड़क अग्रसर होभाविक समय ओडिशा मौसुमी वायु पहुँचो आशा करवा कितु आम जब देखा साधारण स्वाभाविक समय रही आंडामान पहुँचार मे 22 तारीख जिते बड़े 19 तारीख में यह पहुँचुची आशा करे कि केरल को शीघ्र आसपे कि आउ टे शीघ्र आसपे एवं ओडिशा को मध्य सहल आसो गोटे प्रकार आशा करें कि नुहे एर व्यतिक्रम भी हो पाए कि सबुठ बड़ कथा होते बड़े आंडामान 19 तारीख में दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु पहुँचुची यार प्रभाव में आम जी कह दक्षिण पूर्व बंगोपसगर और आंडामान निकटवर्ती अंचल गोटे घूर्णी बलय सृष्टि कहार प्रभाव में बांध लघुचाप क्षेत्र एवं क्रमशः यह गोटे अवपात एवं गभीर अवपात में परिणत हो पारे जहाँ को साइक्लोजेनेसिस आईएमडी निजर विस्तारित परिसर आकलन अनुसार कही तेज जो कथा आम वर्तमान कहते जिते बड़े आंडामान निकोबर द्वीपपुंज आम कहीपर जे दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु छुईब और तार प्रभाव में जिते बड़े कह गोटे साइक्लोजेनेसिस प्रोबेबिलिटी ऑफ साइक्लोजेनेसिस कथा कहुच्छ अर्थात गोटे लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हे जहाँ साइक्लोजेनेसिस कथा अर्थ गभीर अवपात गभीर अवपात में परिणत होवार संभावना जहाँ रही प्रोबेबिलिटी देखा जाइए और तार प्रभाव में जदि आम कह निश्चित पक्षे यह के शक्तिशाली हम ताप बर्तमान समस्त नजर रही कारण विभ आम जाचे जिते बड़े मे मस कौन सिस्टम आसे घूर्णी बलय हो लघुचाप क्षेत्र हो निश्चिंत पक्षे सब चिंतार कारण पलटि थाए तार नजीर आम देखी सारे 2019 फनी समय जदि देखा से ही समय बर्तमान जो चित्र कौच सब कारक गुड़िक रही है घूर्णी बलय को अधिक शक्तिशाली करने जो देखुचे बर्तमान समुद्र पतन तापमात्रा प्राय 30-31 डिग्री रोथ आम देखुचे जिते बड़े 27 डिग्री अधिक रुए निश्चिंत पक्षे घूर्णी बलय को लघुचाप क्षेत्र को अधिक शक्तिशाली करें सहायक हुए से चित्र आप
आपण देखौछु जे तापमात्रा वर्तमान 30 रु 31 डिग्री पर्यंत रहौछि आमे गोटिए कारक ताहा देखिले अन्य पटे आमे जदि देखुचे जे जो एमजेओ कथा कुआ जाउछि मेडियन जुलियन ऑसिलेशन कथा कुआ जाउछि जहां बादल खंड सृष्टि करि पारे बा बादल को घनीभूत करि पारे सहायक हुए ताहा मध्य क्रमशः सक्रिय बा एक्टिव होउछि अन्य पटे तरंगायित वायु चलन कथा मध्य कुआ जाउछि तो एई सब कारक गुडी को वर्तमान अनुकूल रहिछि सेठी घूर्णी बलय को अधिक शक्तिशाली करबा पई पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर जो तथ्य आम कहते जे 17-23 तारीख मध्य निश्चिंत पक्षे गोटे गोटे गभीर अवपात सृष्टि होबार संभावना को वर्तमान जाहिर करिछि पाणीपाग विज्ञान केन्द्र किंतु जहाँ वर्तमान सुधा कह जाए यार केउठी अवस्थिति केउठी रही के दिग को क्रमशः गति करों गतिपथ दे गति कर वर्तमान सुधा मध्य स्पष्ट होना पाणीपाग विशेषज्ञ माने मध्य जो कथा कहते जे यहाँ निश्चित पक्षे लघुचाप क्षेत्र में परिणत हो क्रमशः आहुरी घनीभूत हो गभीर अवपात रूप नेब किंतु यार अवस्थिति केउठी सृष्टि केउठी କେଉଁ ଦିଗରେ ଏହା ଗତି କରିବ ଆଗକୁ କେଉଁ ଦିଗକୁ ଗତି କରି କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଯିବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ କି ନାହିଁ ଯଦି ପଡ଼ିବ କେତେ ପଡ଼ିବ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡାମାନ କୁ ଯେତେବେଳେ ମେ 19 ତାରିଖରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଛୁଇଁବ ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଘୂର୍ଣ୍ଣି ବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଜାହିର କରିଛି ଆଇଏମ୍ଡି ବା ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ ଗୋଟିଏ ପଟେ ମୌସୁମୀର ଆଗମନ ସରଳ ହୁଏତ ଓଡ଼ିଶାକୁ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଘୂର୍ଣ୍ଣି ବଳୟର ସ୍ଥିତି ଆଗକୁ କ'ଣ ରହୁଛି ସେ ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିବ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ନିରୁପମା।